आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि 1971 में पाकिस्तान पर जो विजय भारत की सेना ने की थी उसके 50 साल पूरे हो गए और उन्हीं वर्षों का जश्न मनाया जा रहा है, यानी विजय पर्व के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। किस तरीके से अलग अलग तरह अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हुए, कहीं गृहमंत्री, कहीं रक्षा मंत्री और तमाम मंत्रियों ने शामिल होकर इस कार्यक्रम का जश्न मनाया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान को प्रत्यक्ष युद्ध में हराया, हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं, अब परोक्ष युद्ध में परास्त करेंगे, परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी। ये हुंकार है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो उन्होंने स्वर्णिम विजय पर्व के शुभारंभ के मौके पर कही। आतंकवाद और अन्य विरोधी भारत गतिविधियों को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है, मगर भारतीय सेनाओं ने 1971 में उसके मंसूबों को नाकाम किया था और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में हमारी बहादुर सेना के जवानों के द्वारा ये काम चल रहा है। दरअसल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर देश स्वर्णिम विजय पर्व मना रहा है। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद इस कार्यक्रम को सादगी के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर पाकिस्तान की खिंचाई की और कहा कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे। हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं, परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आज बदलते समय में हमारी तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। मैं समझता हूं कि 1971 का युद्ध इसका एक शानदार उदाहरण रहा है। इस युद्ध ने हमें एक साथ मिलकर योजना बनाने, प्रशिक्षित करने और लड़ने का महत्व समझाया। दरअसल स्वर्णिम विजय पर्व 1971 में हुई पाकिस्तान के साथ जंग में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 16 दिसंबर को स्वर्णिम विजय वर्ष मनाने की घोषणा की थी। 1971 में 3 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत हुई थी और मात्र 13 दिनों में 16 दिसंबर को भारत ने इस लड़ाई को जीत लिया था। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। इस जंग में शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तानी सेना के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। टीम न्यूज नेशन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।